टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और इस वक्त 8 टीमों के बीच पहले दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। यहां से टॉप 4 टीमें अगले दौर यानी सुपर 12 स्टेज में पहुंचेंगी, जहां से वर्ल्ड कप की असली लड़ाई शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहे वर्ल्ड कप में वैसे तो कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं और खिताब के लिए जोर लगा रही, लेकिन फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार भारत और पाकिस्तान मैच का है। दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें वर्ल्ड कप में करीब एक साल बाद आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमें सुपर 12 स्टेज में ग्रुप बी का हिस्सा है और 23 अक्टूबर को मेलबर्न के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड में अपने वर्ल्ड अभियान की शुरुआत करेंगे। हालांकि इससे पहले मेलबर्न के मौसम के पूर्वानुमान ने फैंस की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो मेलबर्न में 23 अक्टूबर को 70-80% तक बारिश की संभावना है और इसके रुकने की भी उम्मीद कम है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के इस महामुकाबले पर रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। आइए फिलहाल एक नजर डालते हैं इस ICC के नियम पर और समझते हैं कि वर्ल्ड कप में मैच रद्द होने पर क्या होगा। दरअसल ICC ने वर्ल्ड कप के पहले दौर में सुपर 12 स्टेज ग्रुप के लिए अंकों को 3 हिस्सों में बांटा है। यहां जीतने वाली टीम को 2 अंक मिलेंगे जबकि हारने वाले को कोई अंक नहीं मिलेगा। वही मैच के रद्द होने या टाई होने की स्थिति में दोनों टीमों के बीच एक एक अंक का बंटवारा होगा। ICC ने वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल और फाइनल को छोड़कर ग्रुप स्टेज के मुकाबलों के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा है, यानी मैच रद्द होने की स्थिति में यहाँ दोनों टीमों को एक एक अंक मिलेंगे। हालांकि ICC के नियम के मुताबिक किसी भी मैच के परिणाम के लिए कम से कम 5-5 ओवर का मैच होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर बारिश रुकती है और सब कुछ सही रहता है तो मैच के अधिकारी 5-5 ओवर का मैच करवा सकते हैं। वैसे दोनों ही टीमें नहीं चाहेंगी कि मैच रद्द हो, लेकिन ऐसा होने की स्थिति में नॉकआउट स्टेज में जगह बनाने के लिए इन अंकों का फर्क पड़ सकता है। भारत पाकिस्तान समेत कुल 6 टीमें ग्रुप बी का हिस्सा होंगी और से टॉप 2 टीमें ही सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इसे ध्यान में रखते हुए सभी टीमों की नजर अधिक से अधिक अंक हासिल करने और बेहतर नेट रन रेट बनाने पर होगी। ऐसे में भारत पाकिस्तान का मुकाबला हम उम्मीद तो यही करते हैं कि जरूर हो, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो फिर यहां पर दोनों टीमों को एक एक अंक मिलेंगे और फिर उनके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बेहद कम हो जाएंगी। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।